नष्ट कर। बीकानेर जिले के भारत पाकिस्तान सीमा पर सटे इलाकों में टिड्डी का टेरर है। किसानों को इससे खासा नुकसान पहुंचा है, उनकी फसलें टिड्डियां लगातार चट कर रही हैं। ऐसे में आज उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी अपने गृह विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। तकरीबन एक दर्जन गांवों में खेतों में किसानों के हालात देखे और उनके अभाव अभियोग भी सुने। इस दौरान ये साफ तौर पर नजर आया कि टिड्डियों का जो अटैक था वाकई बड़ा था, जिससे खेतों में फसलें खत्म हो गई हैं। किसानों ने अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि टिड्डियों से राहत का कोई उपाय नजर नहीं आ रहा है, भले ही हम स्प्रे वगैरह काम में लेते हैं लेकिन तब तक टिड्डियां खेतों को नष्ट कर जाती हैं। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी ने किसानों से कहा कि वे चिंता ना करें, सरकार ऐसी घड़ी में किसानों के साथ है। साथ ही साथ किसानों को ये भी आश्वासन दिया कि विशेष गिरदावरी शीघ्र कराई जाएगी ताकि जो फसल नष्ट हुई है उसका मुआवजा समय पर दिलाया जा सके। कोलायत विधानसभा क्षेत्र में पिछले 5 दिनों से तरफ बॉर्डर की तरफ से बड़ी संख्या में टिड्डियां यहाँ आई है और टिड्डियों के पड़ाव की वजह से कोलायत क्षेत्र के दर्जनों गांवों में काफी भारी नुकसान हो रहा है। जिला प्रशासन के द्वारा और स्थानीय हमारे कृषि विभाग के और हमारे प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा और पूरी टीम लगी हुई है टिड्डी दल को नियंत्रण करने के लिए। कुल मिलाकर भंवर सिंह भाटी ने ये भी कहा कि भले ही स्थितियां विकट हैं लेकिन फिर भी जो बन पड़ेगा हम किसान के लिए जरूर करेंगे।